ये देखिए, ये पलवल की तरफ से आने वाला रास्ता पूरा आज रोका गया है यहाँ पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ी सलाह दी थी पिछली बार, और ये बहुत ही धीरे धीरे ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट करके यहाँ से लाया जा, और ये देखिए ऑलमोस्ट रख दिया गया है यहाँ पर। बस थोड़ी सी कसर रह गई है, माइनर सी प्लानिंग। और ये देखिए यहाँ पर ये गर्डर 60 मीटर लंबा, 90 टन का वजन, एक ही क्रेन ने अभी तक उठा रखा है इसको पूरी सफलता के साथ। ये देखिए इसका बूम और ये क्रेन यहाँ पर, और वहाँ पर तो पूरा प्लेसमेंट हो गई है। एक्स्ट्रा ले लो बाहर, एक्स्ट्रा लो। हाँ ऐसा जो ट्रैफिक है वो दूसरी साइड का दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर रोक दिया गया है उधर, तो इस कारण से अब जो ये ऑल्टरनेट रूट बनाया गया है अब इसके ऊपर हैवी रश होने वाला है, और अब पुलिस को थोड़ा सा हरकत में आना पड़ेगा ताकि ज़्यादा जाम ना लगे, लोगों को दिक्कत ना हो और काम होता जाए। और पंडित जी ने भी पवित्र जल इन गटर के ऊपर छिड़क दिया है, और अब ये रस्सी बांधी जा रही है। ये मैं आपको दूसरी तरफ का भी व्यू दिखा दूं, वहाँ पर देखिए वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे गटर का दूसरा किराना आ रहा है, और एक ये रस्सी यहाँ पे जब बांधी गई है, ये जब गटर हाइट पे आ जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए। और क्रेन के काउंटर वेट दूसरी तरफ आ गए हैं, क्रेन को घुमा के वर्किंग करके पूरा देख लिया गया है, इसके सारे जो मूवमेंट्स हैं सारे सही काम कर रहे हैं। ये 800 टन की क्रेन जिससे सेंटर से पकड़ा जाएगा इसको स्लिंज के माध्यम से, और एक ही बारी में इसको एक ही क्रेन इसको उठाएगी सेंटर से। ये ड्रोन देखिए चालू किया गया यहाँ पर, और ये ड्रोन से भी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये देखिए ड्रोन, एक सेकंड में ये काफ़ी हाइट गेन कर लेता है, और इस समय ये कम से कम 100-150 मीटर ऊपर चला गया है। ये ड्रोन की मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ये ड्रोन इस समय बिल्कुल गार्डन साइड के ऊपर है, यहाँ पे गटर डल रहे हैं, और सारे तमाम जो हाई ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल टेक्निकली लॉन्चिंग है ये वाली, एक सिंगल गर्डर, एक ही क्रेन के एक ही स्लिंज से। ये देखिए ये मैं क्रेन का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, और ये ड्रोन आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये DRA के लिए फोटोग्राफी हो रही है ड्रोन के माध्यम से। और ये पहला वाला जो स्टील गर्डर सामने नज़र आ रहा है ये डलना है इसके ऊपर, और DRA NHAI के ऑफिशियल सारे आए हुए हैं यहाँ पर। स्लिंग जल के और एक ही बारी में क्रेन से उठाया जाएगा, और इस पिलर के ऊपर पहला गर्डर रखने जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का सबसे बड़ा गर्डर, यानी कि 60 मीटर लेंथ है, 90 टन वजन है इसका, और ये 800 टन की जो क्रेन है मैंने आपको बताई ये इसको एक ही बारी में सेंटर से उठाएगी, और बीच में दो जैसा कि आपको ये येलो कलर की वायर रोप नज़र आ रही है, इस रस्सी की मदद से इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा, एक इस तरफ और ऐसी एक दूसरी तरफ भी लगाई गई है। थोड़ी देर में ये गर्डर जोन से आप ये पिलर नज़र आ रहे हैं, जब खाली नज़र आ रहा है आपको ये एरिया, यहाँ पर आपको थोड़ी देर में एक गर्डर लॉन्च हुआ हुआ मिलेगा थोड़ी देर में।
कौन जी, सारी टीम काम कर रही है? ये सारी टीम है जी आपकी? हमारे पास, हमारे पास ब्रेसिंग भी है। अभी स्लिंग तो पास की नहीं उधर, अभी लगाई नहीं। मैं भेज रहा हूँ ब्रेसिंग। स्लिंग निकाल लेंगे ना जैसे आप जाए। एक आध फोटो ऐसा खींचना जो हमारे पास ही भेज देना यार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? एमडी शब्बीर। अब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आज? जी सर। आज ये गटर लॉन्चिंग कर रहे हो? बिल्कुल सर। सुबह से देख रहा हूँ मैं, आप काफी काम कर रहे हो आप। चलो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी अभी। अभी हुक को यहाँ पे लाया जा रहा है और जो ये स्लिंज है यहाँ पर, ये एक तरफ से गटर के उधर पार कर दी गई है, ये गटर की उस तरफ, और दूसरा इसका यहाँ पर है, ये हुक से लगाया जाएगा इसको। ये जो सामने गटर नजर आ रहा है, अब ये इसको लॉन्चिंग होना है। ये देखिए, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये हुक का एक हिस्सा, ये गटर के नीचे से पार करा दिया गया है। और जैसे ही इसका दूसरा हुक आएगा क्रेन का, उस क्रेन के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरा हुक दिखा रहा हूँ आपको, जो गटर के नीचे से ये हुक आके यहाँ पर, और ये वायर घूम के आ रही है, और ये हुक है, ये दोनों हुक इकट्ठे जोड़ दिए जाएंगे और इनको जोड़ा जाएगा। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, 800 टन की जो क्रेन जो इसको लिफ्ट करेगी, उसका वहाँ पर जो ऊपर टॉप है वो एंकर टाइप बना हुआ है। तो एंकर में एक तरफ एक हुक आ जाएगा, एक तरफ इस गटर के सेंटर में, और एक सेंटर से साइड में एक दूसरा हुक है जो आपको अभी वहाँ से दिखाया था। वो दोनों हुक इस क्रेन के एंकर में लगा दिए जाएंगे और तभी 800 टन की क्रेन सिंगल गटर को एक ही क्रेन के एक ही हुक के माध्यम से उठाया जाएगा और इसको इस ब्रिज की दूसरी तरफ लेके जाया जाएगा। और इस गटर को यहाँ से उठाना है। सभी लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं, फाइनल टचअप दे रहे हैं सिर्फ इसको उठाने के लिए। अब फाइनल तैयारी सारी पर की जा रही है, देखी जा रही है कोई दिक्कत ना आए और पहली बारी में ही गटर ठीक तरह से रखा जाए। देरी है और उसके बाद इस गटर को लॉन्च किया जाएगा यहाँ पर। मैं इस समय बिल्कुल उसी साइड पर हूँ, मेरे इस तरफ जो है सामने ये दिल्ली मथुरा हाईवे है और जो बैक साइड में आप देख रहे हैं उसको रास्ता डायवर्ट करके यहाँ पे आ रहा है, वो इसको अपारोल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और ये जो क्रेन है सामने, ये छोटे काम के लिए छोटा सामान लेके जाएगी, ये 150 टन की क्रेन है, इसको मनोज तिवारी जी चला रहे थे। और ये 800 टन की क्रेन है जो एक ही बारी में इस गटर को पूरा उठा के ऊपर तक लेके जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में जब ये गटर लॉन्च होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। ये बूम का हिस्सा नीचे आ गया है, ये जो अपना एंकर दिखाया था इसके अंदर जाके अब ये स्लिंग जलनी है। ये मैं आपको बता रहा था, जो ये क्रेन है इसका जो बूम का हिस्सा है, इसको उठाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और इस समय देखिए, अब ये देखिए इस हाइट तक उठ गया है यहाँ पर, और इस हाइट से बूम पूरा उठने के बाद स्लिंज को अब नीचे लाया गया है और इसका जो एंकर है उसके अंदर वायर को लगाया जाएगा, एक तरफ वाला हिस्सा और फिर दूसरी तरफ वाला हिस्सा। बहुत धीरे धीरे इसको लाया जाता है, एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा, आप देखिए बहुत हैवी होता है ये, और ज़रा सा भी किसी भी तरफ अगर एक्स्ट्रा धक्का लग जाए, शॉक लग जाए, जर्क लग जाए, तो उस इक्विपमेंट को, जैसे गटर है यहाँ पर, या किसी को दिक्कत आ सकती है। अब देखिए सब लोग तैयार हैं इसमें और इसको नीचे लाया जा रहा है। और ये देखिए इन्होंने पकड़ लिया इसको, थोड़ा सा धक्का दिया, सेंटर कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको नीचे ला रहे हैं। ये देखिए ये मेरे ऊपर ड्रोन भी आ गया है,
ये ड्रोन से भी सारी वीडियोग्राफी की जा रही है। और देखिए ये पूरा नीचे आ गया अभी, और इसमें अब स्लिंग फंसाई जाएगी। और ये दूसरी तरफ की स्लिंग है जो डालना था, ये तरफ डाल दिया इसको, और ये दूसरा हिस्सा। जैसे हैं और जो ये गडर है, जैसे गडर का मैंने जो बताया दिखाया था, जैसे आपको मैं नीचे दोबारा दिखा रहा हूँ, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये अब दूसरी तरफ से डाला जाएगा। अब इसको ऊपर उठाया जाएगा धीरे धीरे और गडर के ऊपर लेके, और दूसरी तरफ वाले हिस्से भी ऐसे दोनों हिस्से इसमें डाले जाएंगे। और देखिए अब धीरे धीरे इसको उठाया जा रहा है ऊपर। स्लिंग के साइड से, गड्ढा वाली साइड से दोनों स्लिंग जल गई हैं और धीरे धीरे इसको ऊपर उठाया जा रहा है। ये दूसरी तरफ वाली स्लिंग भी डाली जाएगी। देखिए सेंटर में ले आए हैं इसको, दिखाया था आपको जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है, अब उसको बांधा जा रहा है और फिर इसको यहाँ से उठाया जाएगा। मैं आपको गटर के नीचे से दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये देखिए, इसको उठा लिया गया है और ये देखिए, और ये स्लिंग का हिस्सा ऊपर उठा रहे हैं रस्सी की मदद से। और ये हिस्सा ऊपर आ गया, इसको एंकर में डाल दिया जाएगा। और ये ड्रोन भी फोटो ले रहा है यहाँ पर, ये ऊपर आ गया हिस्सा। और ये एक बार, और ये इसको भी छोड़ा। और ये सामने देख रहे हैं जो दूसरी साइड वाला जो हुक है स्लिंज का, उसको अब ऊपर डालना है, और वो भी गटर के नीचे से पास हुआ था, अब उसको रस्सी की मदद से ऐसे ऊपर उठाया जाएगा।
और फिर उसको एंकर में डाला जाएगा। और ये अब दोनों हुक इसमें डाल दिए गए हैं और एंकर के दूसरे साइड दूसरे स्लिंग के दोनों हुक डाल दिए गए हैं। अब इसको ओके कर दिया जाएगा और इधर ड्रोन भी अपना काम कर रहा है और इसके बाद सामने जो क्रेन 800 टन की क्रेन वो इसको उठाएगी और सिंगल की क्रेन जो है पूरे इसको उठाएगी यहाँ से। और ये एक हेल्पिंग क्रेन है जो चंदीला क्रेन्स की हैं, दोनों ये वाली क्रेन चंदीला ने यहाँ दे रखी हैं। और ये छोटी जो ये हैं ब्रैकेट्स वगैरह हैं ये इसके हाथ में बांधने के काम आएंगी, इसको बाद में उठाया जाएगा इसके हाथ में। और ये धीरे धीरे क्रेन ऑपरेटर को निर्देश मिल गया कि धीरे धीरे इसको ऊपर उठाए और इसको पूरा टाइट किया जाएगा। और अब वो क्षण आ गया ये देखिए दोनों हुक लगने के बाद इसको पूरा ऊपर उठा लिया गया है और यहाँ पे ये स्लिंग को टाइट किया गया। देखिए यहाँ पर स्पेशल मेटल की प्रोटेक्शन दी गई है स्टील स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। और ये देखिए स्लिंग पूरी टाइट हो गई है यहाँ पर इस समय। ये इधर ऑन करके नहीं दिए देखिए उधर हो जाओ। ये देखिए अब धीरे धीरे गटर को उठाया जा रहा है। गटर से सबको हटा दिया गया और ये देखिए अगर मैं आपको ग्राउंड पोजीशन दिखाऊं तो धीरे धीरे गटर ऊपर उठ रहा है और इसको खींचा जा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा ये हैंग भी हो रहा है बीच में से अगर आप देखें तो, बट धीरे धीरे पूरा गटर उठ रहा है। ये देखिए आप सही है। हालांकि गटर एक तरफ नीचे हो रहा है थोड़ा सा। ये थोड़ा कैंटिलीवर टाइप काम कर रहा है एक तरफ, इसको बोलते हैं झोल ले रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जमीन से उठा लिया गया है इसको। और वो जो स्लिंग दिखाई दी मैंने आपको, ये स्लिंग दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये इस सेंटर से स्लिंग बंधी हुई है ये वाला और ये धीरे धीरे इसको उठाया जा रहा है यहाँ पे आप देखिए। बहुत ही धीरे धीरे ये क्रेन है जो ऊपर तक स्लिंग के साथ में लगी हुई है। देखिए ये क्रेन धीरे धीरे इस गटर को यहाँ से उठाएगी। 90 टन का ये टोटल गटर का वजन है, 90 टन और 60 मीटर लंबा है और अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर सेंटर में स्लिंज को बांधा हुआ है
और 30 मीटर इधर है स्लिंच के और 30 मीटर उधर है, और ये थोड़ा सा झोल ले रहा है इस समय, लेकिन यहाँ पर भी 4-5 लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है रस्सी के माध्यम से इसको कंट्रोल करने के लिए, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी पकड़ा हुआ है। ये देखिए, इसको झोल को दूर करने के लिए धीरे धीरे इसको उठाया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे। पैकिंग लगा दी गई है नीचे, इसका बेसिकली एक पोर्शन थोड़ा दब गया था क्रेन का, अब इसको धीरे धीरे फिर दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के लिए काम हॉल्ट हो गया था। और ये देखिए अब बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो क्रेन का पोर्शन है, एक जो चार कोने होते हैं बेसिकली, इसमें थोड़ा ये देखिए मिट्टी धस गई थी नीचे, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी, देखिए जैसे लोड पड़ा था पिछली बार उठाया था, अब इसमें यहाँ पर सपोर्ट दे दी गई है इसको, ऐसे ही आप दूसरी साइड देखेंगे वहाँ पर भी नीचे सपोर्ट दे दी गई है। ये देखिए मैं अगर आपको नीचे से दिखाऊँ तो ये देखिए वहाँ पर भी सपोर्ट दे दी गई है, और अब दोबारा से इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम लग गई है इस समय। देखिए धीरे धीरे इसको उठाया जा रहा है ऊपर, और ये बहुत ही स्लोली, अब बिल्कुल इसमें जरा भी झोल नहीं, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर, कोई इफेक्ट नहीं। अब जो क्रेन का जो हिस्सा था, जो उनका ये दब गया था यहाँ पर, इसको सपोर्ट दे दी गई है, उसकी वजह से थोड़ा काम जरूर डिले हुआ है, बट लेकिन अब काम पक्का और सुनिश्चित कर दिया गया है। और ये देखिए अब ये गर्डर यहाँ से उठता हुआ, ये रस्सी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए रखी गई है, ताकि अगर थोड़ा बहुत हिलता है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये देखिए ये गर्डर जमीन से करीब करीब इस समय 10 फुट से ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। अब ठीक हो रहा काम? और ये देखिए ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं सारा, आप ध्यान दो काम पे। और ये गड्ढा धीरे धीरे उठता हुआ, इस समय ये करीब करीब 15 फुट से ऊपर ज्यादा उठ चुका है इस समय, और बिल्कुल पैरेलल है इस समय बिल्कुल। और ये धीरे धीरे क्रेन ये देखिए बहुत ही ऊंचा, ये इस समय करीब करीब 15 से ऊपर फीट ऊपर उठ चुका है। पकड़ना पकड़ना पकड़ना, और ये देखिए पूरा एक ही प्लेन है इस समय बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड। और ये देखिए ये समय 90 टन का गर्डर है और 60 मीटर लंबा है इस समय, और स्लिंच की मदद से, जैसा मैंने आपको दिखाया था पिछली बार, उस स्लिंच में बंधा हुआ। और इसको धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है, ये समय करीब करीब 20 फुट के करीब में ऊपर उठ चुका है अगर आप देखें। और ये सामने जो ये पिलर दिखाई दे रहा है, पिलर कैप जो दिखाई दे रही है, ये इसको घुमाया जाएगा और घूम के इसके ऊपर उठ के आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे गटर को काफी ऊपर ले जा गया, पूरा सिंगल एक ही स्लिंग से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए। और अब इस गटर को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, क्योंकि ये पिलर कैप की हाइट तक आ चुका है इस समय। और ये देखिए ट्रैफिक भी निर्विघ्न यहाँ से पास हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेट रूट जो डिसाइड किया हुआ था
वहाँ से जा रहा है और अब ये देखिए इसको घुमाया जाएगा इसको, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ जाना है दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर से। और ये देखिए इसको हल्का सा एंगल देना शुरू कर दिया गया है। ये देखिए रस्सी की मदद से इसको इधर खींचा जा रहा है थोड़ा सा। ये देखिए नीचे लोग इसको रस्सी की मदद से थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको एंगल देना है। और वो देखिए वो हिस्सा पास आता जा रहा है और ये इस समय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर। वो देखिए वहाँ पर वो जो थोड़े थोड़े सरिये निकले हुए थे उनसे टच होना शुरू हो गया वहाँ पर। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पर, क्योंकि इसको मुड़ना है और वो देखिए उसके ऊपर से धीरे धीरे मुड़ेगा, उनको टच हो रहा है वहाँ पर। ये क्रेन लगी हुई है सारी सामने देख रहे हैं, जिसमें पीछे देखा था काउंटर लोड लगे हुए थे और सभी अधिकारीगण भी काफ़ी यहाँ पर प्रेजेंट है। DRA से रिलेटेड सभी लोग यहाँ पर हैं, उसको वॉच कर रहे हैं और दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर भी यहाँ के अधिकारी हैं जो उसको वॉच कर रहे हैं। और इसको बहुत ही दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि ये कोना दूसरी तरफ जाए। देखिए ये लोग इसको रस्सी की मदद से और उस कोने को थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया गया है, जो बीच में जो सरी आ रखे थे पिलर कैप के उनको उनके ऊपर कर दिया गया और ऊपर उठा दिया गया और उसके ऊपर से इसको पार किया जा रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर उठा दिया गया और इसको घुमाया जा रहा है इस समय स्लिंच की सेंटर की अगर देखें तो आप। ये देखिए घूम के पिलर कैप की तरफ आ गया है और इधर ये लोग इसको रस्सी की मदद से दूसरी तरफ खेल रहे हैं। ये देखिए सामने हिस्सा ये धीरे धीरे इसको अपनी तरफ धकेल रहे हैं और वो देखिए सरिया पार करके ये पिलर कैप जो दूसरी वाली पिलर कैप जिसके ऊपर इसको रखा जाना है वहाँ पर आ गया है इस समय। ये देखिए रस्सी का दूसरा किनारा वहाँ पर दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर उन लोगों ने पकड़ लिया है और धीरे धीरे अब उसको अपनी तरफ उसको खींचेंगे और ताकि इसको टर्न दिया जा सके। ये देखिए ये 800 टन की क्रेन जो मैंने आपको दिखाई थी ये काम कर रही है इसके ऊपर अभी और ये उसका पूरा बूम और उससे स्लिंज बंधी हुई और धीरे धीरे अब इसको दिल्ली मथुरा एक्सप्रेस से दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर जो लोग खड़े हैं वो उसको धीरे धीरे उस तरफ खींचेंगे। ये देखिए और इसको टिल्ट किया जाएगा अब। और ये देखिए चाहे जितना भी बड़ा गाड़ी है ट्रक है इनको ऑल्टरनेट रूट से पलल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि रास्ता छोटा है लेकिन सब लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए अब ये 90 टन का गर्डर 60 मीटर लंबा इसको घुमाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए अभी जो उस तरफ था ये इसको घुमा के इस तरफ आ गया है और वहाँ पर उस रस्सी की मदद से जैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं ये देखिए वो रस्सी अब उधर चली गई है, लोग उधर चले गए हैं और धीरे धीरे इसको घुमाया जा रहा है। अब देखिए कहाँ पर घूम के आ गई थी पोजिशन और ये बिल्कुल अब इसके ऊपर दिल्ली मुंबई वाली डायरेक्शन आ जाएगी इसकी।
ये किनारा है इसका दिल्ली वाली के पिलर के ऊपर, और दूसरा ये वाला किनारा जो दिल्ली मथुरा हाईवे के दूसरी तरफ NH2 के दूसरी तरफ जो पिलर है ये वहां पर चला जाएगा। ये देखिए आप बिल्कुल जो पहले दिल्ली मथुरा हाईवे की डायरेक्शन में था पिलर, ये गटर ये वाला सॉरी, और ये अब गटर जो सा है ये देखिए अब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की डायरेक्शन में आ गया है। एक कोना दिल्ली की तरफ और दूसरा कोना ये वाला मुंबई की तरफ जाने वाले पिलर के ऊपर टिकने वाला है ये अभी। और इस समय दिल्ली से मथुरा जाने वाली जो हाईवे है उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया गया है इस समय, पहले थोड़ी देर तक चलाया गया था लेकिन अब बिल्कुल उसको रोका गया है यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ इस समय, ये समय दिल्ली मथुरा हाईवे है उसके ऊपर, और गर्डर की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर, ये इस तरह से दोनों फायर कैप के ऊपर टिक जाएगा धीरे धीरे अभी। ये देखिए ये 60 मीटर लंबा है जो इस दोनों दिल्ली मथुरा हाईवे की दोनों पिलर्स दोनों अक्रॉस दी रोड जो दो पिलर हैं उनके ऊपर रखा जाएगा इसको। और ये देखिए बूम, ये आपको दूर से दिखाने के लिए पूरा पिलर, यह पहला पिलर है आज जो रखा जा रहा है यहाँ पर। ये सामने का हिस्सा मैं जो दिखा रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काफ़ी बन के तैयार हो गया, वहाँ पर अब खाली रोड बनने का काम शुरू होना है, लेकिन वो रुका हुआ था बिकॉज किस दिन हाईवे बंद करें और कैसे रखा जाए यह दुविधा आ रही थी। और आज 25 दिसंबर का दिन ट्रैफिक बहुत कम था और जो थोड़ा ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट किया गया है। ये देखिए इसको साइड से डाइवर्ट किया गया, यहाँ पर सारी क्रेन और सब लगे हुए हैं और ये डाइवर्ट होकर यहाँ से आ रहा है, रास्ते में मिट्टी ना उड़े इसलिए पानी का छिड़काव भी किया गया है। ये गटर की लॉन्च थोड़ी देर के लिए भी रोकी गई है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पर। ये मैंने जो आपको क्रेन दिखाई थी 800 टन की क्रेन है, ये इसके ऊपर काम कर रही है। और ये सारा ट्रैफिक देखिए इस तरह बिल्कुल रुका हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दूर तक भी दिखा दूँ, ये डाइवर्ट वाला जो ट्रैफिक है यहाँ से होके जा रहा है। ऐसे ही जो दूसरी तरफ का ट्रैफिक है उसको भी थोड़ा हॉल्ट किया गया, उसको भी ऑल्टरनेट रूट दिया गया, थोड़ा सा जाम लगना शुरू हो गया वहाँ पर और उसको दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। ये देखिए अभी गर्डर पूरा का पूरा अभी क्रेन के स्ट्रिंग से ही अटका पड़ा है, लगा हुआ है वहाँ पर, उसको धीरे धीरे पोजीशन दी जाएगी वहाँ पर और जब दोनों तरफ तैयार हो जाएगा तब इसको रोका जाएगा यहाँ पर। ये समय मैं दिल्ली मथुरा का जो हाईवे है उसके ऊपर खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, और ये देखिए गटर यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, और इस ट्रेन का एक उस तरफ किनारे पे और एक उस तरफ किनारे पे इनको लॉन्च करना है। बस मैं आगे जा रहा हूँ, ऊपर रखा मेरे ऊपर रखा। देखिए ये गटर यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं एक इस कोने पर रखा जाएगा, और हमें ये दिल्ली से मथुरा जाने वाला रास्ता जिसके ऊपर मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ ये बंद कर दिया गया तुरंत से। ये देखिए और ये गटर आ गया है और गटर की एक पोजीशन वहाँ पे रखी जाएगी, वो वाला जो किनारा है वो दिल्ली वाली साइड है वहाँ पर उस तरफ वो वाला पिलर कैप है, और इधर जो ये वाली पिलर कैप है ये मुंबई साइड जाने वाला रास्ता है, ये वाले पिलर के ऊपर किनारा रखा जाएगा धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पीछे देखें अगर मेरी तरफ तो इस तरफ यहाँ पर देखिए ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया है ऑलमोस्ट इस समय, क्योंकि ये वाला रास्ता भी काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिया गया है और साइड से जाने के लिए बहुत ही छोटा रास्ता है तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। तो मैं आपको उस तरफ का भी अभी रास्ता जाके दिखाता हूँ। ये देखिए गटर को पिलर कैप के ऊपर लिया जा रहा है और एक बार वहाँ भी एडजस्ट करना है। इस समय NHA के सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पर हैं इस समय, क्योंकि ये पहला गटर लॉन्च है इस तरह से
सबसे बड़ा एनसीआर का गर्डर है जो यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है। ये देखिए धीरे धीरे सब गाइड कर रहे हैं, वहाँ रखना है जहाँ पर, फिर धीरे धीरे मोड़ के जहाँ पे ये लोग खड़े हैं यहाँ पे लेके जाया जाएगा इसको, यहाँ पे इसको रखना है। इसकी तैयारी की जा रही है पूरी की पूरी और नीचे से इसको गाइड भी कर रहे हैं। ये देखिए ये पलवल्स की तरफ से आने वाला रास्ता पूरा आज रोका गया है यहाँ पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ी सलाह दी थी पिछली बार, और ये बहुत ही धीरे धीरे ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट करके यहाँ से लाया जा रहा है। ये देखिए ये पलवल की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है। और ये देखिए ऑलमोस्ट रख दिया गया है यहाँ पर, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, माइनर सी प्लानिंग। और ये देखिए यहाँ पर ये गर्डर 60 मीटर लंबा, 90 टन का वजन, एक ही क्रेन ने अभी तक उठा रखा है इसको पूरी सफलता के साथ। ये देखिए इसका बूम और ये क्रेन यहाँ पर, और वहाँ पर तो पूरा प्लेसमेंट हो गई है, ढंग से खड़े हैं लोगों को देखिए, बहुत ही हिम्मत। और ये बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर कमर कस रखी है यहाँ पर भी जवानों ने, बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही थोड़ा सा धक्का खाना पड़ रहा है। और ये देखिए पूरी टीम नीचे इसको खींच रही है हल्का सा इसको, और ये बिल्कुल रखने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट बहुत थोड़ा सा घुमाया, ये थोड़ा सा घुमाते ही बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाएगा इसको, बस बिल्कुल लास्ट 1 या 2 मिलीमीटर जस्ट ऊपर है जहां पे रखना है इसको अभी बेरिंग के ऊपर। और ये ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है, सही पोजीशन आ गई है, सेटिस्फाइड है क्या आपकी तरफ से? ओके हो गया, ये ऑलमोस्ट ओके हो गया, जो अभी डीआरए का ऑफिसर कह रहे हैं, बट हल्की सी वहाँ पर जो लोग टीम है वो थोड़ा सा कह रहे हैं अभी कमी है। ये चल रहा है काम, और ये देखिए, और बहुत जोरदार तालियां, तालियों से स्वागत, बहुत पहला गर्डर रखा गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और ये 60 मीटर लंबा, 90 टन का वजन, सिंगल क्रेन, 800 टन की क्रेन ने इसको उठा के रखा है, और सभी एनएचएसी के बड़े ऑफिशियल सब यहाँ पर हैं इस समय। सर आपका शुभ नाम? कपिल कुमार एनएचआई से ट्रैफिक। ओके, बहुत ही अच्छा प्रबंधन था, उस तरफ भी कोई कमी नहीं है और इस तरफ भी आपने डायवर्जन दिया गया है और इस समय कोई कमी नहीं आई। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ट्रैफिक को रोका गया है ताकि पब्लिक को बहुत ही कम दिक्कत हुई हो। तो आज 2 गर्डर रखने हैं और कल भी 2 गर्डर है, और उम्मीद है कल भी पब्लिक को बहुत कम तकलीफ होगी। तो मेरे सामने जो मिस्टर कपिल कुमार हैं, ये ट्रैफिक हरियाणा के ट्रैफिक एसएचओ कपिल कुमार जी, बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर इन्होंने अभी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये रिस्पांसिबिलिटी होती है, ये इस छोटी सी जगह थी हालांकि ये काम, लेकिन यहाँ पर ये खुद पहुंचे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पर हैं और ट्रैफिक को पूरा नियंत्रण के पूरे निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर, और ताकि फरीदाबाद की जनता को जरा भी तकलीफ ना हो। और इस समय आप देख रहे हैं ट्रैफिक की मूवमेंट है, कहीं पर भी ट्रैफिक स्टॉप नहीं है यहाँ पर। अभी एक एम्बुलेंस आई थी, उसको भी पूरी अच्छी तरह से निकाला गया यहाँ पर, और इसको दोबारा से हिलाया गया अभी, क्योंकि मैंने देखा था अभी थोड़ी सी पोजीशन ठीक नहीं थी, और फिर इसको पोजीशन में रखा जा रहा है इसको वहाँ पर। अब ये क्रेन की मदद से इसको हिलाया गया यहाँ पर, ट्रैफिक बिल्कुल चलता हुआ यहाँ पर, सभी सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर, और उधर भी टीम पूरी है यहाँ पर। अभी एनएचआई के ऑफिशियल से भी मैं मिला था, उनसे भी बात कराई थी आपकी। और ये देखिए बहुत ही खुशी का पल, तमाम गाड़ियाँ और लोग, डीआरए के लोग, सभी लोग यहाँ पर हैं। सामने ट्रैफिक चलता हुआ है, कहीं पर भी ट्रैफिक रुका नहीं है बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक रुक गया है यहाँ पर। और आज 2 गर्डर का प्लान है, अगर जब तक धूप साथ देती है, रोशनी साथ देती है, ताकि अंधेरे में काम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये दोबारा से जो मैंने बोला था माइक्रो प्लानिंग करनी थी इसको, और उठाकर दोबारा से जब तक सेटिस्फाई नहीं तब तक नहीं है, जरा भी इसमें चूक संभव नहीं है जरा भी, इतना बड़ा काम है ये, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा उठाकर फिर रखने की कोशिश की जा रही है। पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर, और वो देखिए नीचे ऐसे लग रहा है जैसे टग ऑफ वार में रस्सी खींची जाती है पूरा जोर लगा के, और जरा भी 1 मिलीमीटर का भी मौका नहीं दिया जा रहा कि इसको रखने में दिक्कत हो कहीं पर भी। आप तो अभी वहाँ पर थे,
हम लोग वहीं थे खाने के टेबल के पास। ये भाई साहब तो बहुत हेल्प कर रहे थे, इन्होंने सबको खाना खिलाया, ताकत आई है तभी लोगों ने काम किया ये वाला। आपने खाना खाया कि नहीं अभी तक? नहीं हमने खा लिया, सबसे पहले खिला दिया। अच्छा इनको पहले खिला दिया सर, और आपने खाया कि नहीं? बीच में कह रहे खाना कम पड़ गया, दोबारा बनाना पड़ गया। नहीं नहीं हो गया, हो गया सर। नहीं 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 बहुत डीआरए बहुत ही अच्छी संस्था है, सबका बहुत ध्यान रखती है डीआरए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार राव। आदित्य कुमार, आपका नाम? अनूप सिंह। ये देखिए ट्रैफिक सारा छोड़ा हुआ है और धीरे धीरे तीन चार लेन यहाँ से लगातार निकल रही है यहाँ से, ये पलवन ढाबा के सामने से, और ये पलवल से आता हुआ ट्रैफिक बाद में। अभी सूर्य की रोशनी काफ़ी है, दूसरा गर्डर लॉन्च भी कर सकते हैं। पहला गर्डर है, पहला अनुभव है, 60 मीटर लंबा, 90 टन का वजन, सिंगल स्विंच से बांधा हुआ, 800 टन की क्रेन की कैपेसिटी, और पूरे एनसीआर में इतना बड़ा गर्डर कभी लॉन्च नहीं हुआ है। 60 मीटर दो रास्ते जो 6 लेन के दिल्ली मथुरा और मथुरा से दिल्ली जाने वाला रास्ता, और ये देखिए इसके ऊपर ये गर्डर की लॉन्चिंग। ऐसे 8 गर्डर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर से पार करेंगे, और आप 120 की स्पीड से जब इस दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर से निकलेंगे और इस गर्डर लॉन्चिंग की वीडियो देखेंगे मेरे चैनल राकेश कोचर के, तो आप याद करेंगे कि पहले गर्डर की लॉन्चिंग के आप साक्षी बने थे, भारत के विकास के साक्षी बने थे, भारत की प्रगति के साक्षी बने थे, वो रास्ता जो प्रगति की तरफ जा रहा है उसके साक्षी बने थे आप। मेरा इस वीडियो राकेश कोचर फैब्रिकेशन हमारा है। फैब्रिकेशन आपका, कौन सी कंपनी आपकी? हमारी जीएम इंजीनियर्स। जीएम इंजीनियर्स, अच्छा ये गटर आपने लॉन्च फैब्रिकेशन आपने किया, कहाँ पर बनता है ये? सोना रोड पे। सोना रोड पे जीएम इंजीनियर्स। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुत्यागी। वासुत्यागी, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा जिसकी इसमें जो इसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। प्लेट्स, और ये कितने सेगमेंट में बनाई है? 5 सेगमेंट बना है, वही मैं देख रहा था। हर एक को आपने ऐसे बोल्ट से जोड़ा है, ये M24 के बोल्ट हैं ये वाले, और अनदेको कंपनी के हैं जो मैंने देखा लगाए हुए हैं यहाँ पर। 10.9 ग्रेड, बहुत ही अच्छा 5 सेगमेंट में बना है। इसमें जो कोने की प्लेट मैंने देखा है उसकी थिकनेस कम है और बीच की थिकनेस ज़्यादा है, ऐसा क्यों? डिफ्लेक्शन की वजह से। डिफ्लेक्शन की देने से तो बीच में थोड़ा हैवी रखा गया है। बीच में तो कितनी थिकनेस रखी गई है? टॉप की है 40 हमारी, 40 mm बीच में, और नीचे उस तरह वाली किनारे पे 16 की। अच्छा 20 और 16 mm की। अब ये गटर यहाँ पे बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया, अब इसको यहाँ फिक्स किया जा रहा है। देखिए अब देखिए ये रोड चालू होने वाली है यहाँ से, अब ये लॉन्च सक्सेसफुल हो गया है, और अब ये दूसरा रखने वाले हैं। अमित मुद्गल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। पहला गटर ये मेरा ब्रिज नहीं है, ये देवाशीष सर वो उधर ही सर, आप भी डीआरए के हैं और डीआरए स्पेशली वो देख रहे हैं। कौन? मिस्टर देवाशीष मोहंती। अमित मुद्गल जी कह रहे हैं ये उनका प्रोजेक्ट था ये वाला यहाँ का। मिस्टर देवाशीष जी बहुत बहुत मुबारकबाद। मिस्टर देवाशीष बहुत बहुत मुबारकबाद जी आपको। हेलो, और ये गटर लॉन्च हो गया है और ये ट्रैफिक खोलने का निर्देश दे गया है, और ये देखिए अब ये ट्रैफिक चालू हो गया यहाँ पर, और ये दोनों तरफ का ट्रैफिक अब खोल दिया जाएगा। और ये पहली गाड़ियाँ ट्रैफिक की यहाँ से आनी शुरू हो गई हैं, और ये ट्रैफिक खोल दिया गया है, और उसके बाद अब दूसरा गटर यहाँ लॉन्च होगा। ये अभी ऑल्टरनेटिव यहाँ से चल रहा है लेकिन जो थोड़ा वेट था वो ख़त्म हो गया। ये देखिए पहला गर्डर यहाँ पे रख दिया गया है, आज 25 दिसंबर को पहला गर्डर 60 टन का, 60 मीटर लंबा, 90 टन का, और ये देखिए अब ये सारा ट्रैफिक ओपन कर दिया गया है। ट्रैफिक को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा लेकिन पहले गर्डर के नीचे से वो निकल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही होगी। इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला गर्डर रखा गया है यहाँ पर दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर, और ये सारा ट्रैफिक जो पहले लॉट है जो इस गटर के नीचे से निकल पा रहा है। ये देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे खुला आसमान था और अब ये गटर रख दिया गया है। ऐसे दो गटर रखने हैं आज, दूसरा एक और रखना है, और उसके बाद 8 गटर टोटल यहाँ पे रखे जाएंगे यहाँ पर।
देखिए ये काम पूरा हो गया। अब यहाँ पर अब सेकंड गटर रखा जाएगा और जब सेकंड गटर को उठाया जाएगा उसके वहाँ पे स्लिंज बांधी जाएगी, उसके बाद फिर ट्रैफिक को रोका जाएगा। यहाँ पर जीएम इंजीनियर साहब ने बताया, जीएम इंजीनियर साहब।